नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। तो बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें चीप लेवल लैपटॉप रिपेयरिंग करना कुछ अगर आपके लेक्चर्स ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा, हमें कुछ सर्किट के बारे में भी सीखने को मिल सकता है। तो मैं इस चीप लेवल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं पहले तो जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, चीप लेवल मतलब आपको सर्किट लेवल काम करना होता है, जिसमें के जो सरफेस माउंटेड जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आईसीज हो गया, या फिर रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, मॉसफेट्स हो गए, तो इन कंपाउंड्स पे आपको काम करना होता है, आपको वो सर्किट ट्रेसिंग का भी काम करना होता है। तो इसके लिए आपको आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब उसको उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस होता है, उसके जो कंपाउंड्स के बारे में जानकारी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ये सब चीज़ों की उनके उसके अंदर जानकारी होती है। तो आपको पहले ये चीज़ें सीखनी होगी, क्योंकि अगर मैं आपको चिप लेवल भी सिखाता हूँ तो भी वो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जल्दी से नए यूज़र्स को, जिसने जिसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पक्का नहीं है, जिसने किया नहीं है, तो उसको वो ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। देखिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको चिप लेवल सीखना है तो ऑनलाइन मत सीखिए, क्योंकि ऑनलाइन वो आपको मतलब 60% 40-60% आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई इंस्टीट्यूट में जाओ सीखने के लिए, तो वहाँ पे आपको उन कंपोनेंट्स की उस सर्किट की आपकी पूरी जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि ऑनलाइन आपको आधी अधूरी जानकारी मिल सकती है। और नए जो यूज़र्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, तो नए यूज़र्स जो होते हैं वो 10-15 दिन में, एक महीने में वो सब ऑनलाइन सीख के या फिर किसी से 10-15 दिन की जानकारी लेके वो खुद अपना शुरू कर देते हैं उस पे काम करना। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका मदरबोर्ड, लैपटॉप का मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके लैपटॉप का कोई मदरबोर्ड डैमेज हो, लेकिन मैं आपको चिप लेवल में इतना ज़रूर सिखाऊंगा कि जैसे कि लैपटॉप का जो चार्जिंग सर्किट होता है, या फिर आपके जो USB पोर्ट का सर्किट होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का जो सर्किट होता है, ऑडियो चिप जो होता है, उसका बायस जो होता है, इसकी जो जानकारी है, मैं आपको धीरे धीरे आपको मैं इसके बारे में मतलब वो सर्किट पे कैसे वो काम करते हैं, या फिर वो सर्किट में कहाँ पे होते हैं, इन चीज़ों की जानकारी आपको जितना ऑनलाइन देना चाहिए मैं आपको उतना दूंगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लैपटॉप को डैमेज कर सकती है। तो अभी मैं चिप लेवल के लिए अपने लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ, अपना मतलब पूरा उसको सहयोग देके उसमें मतलब आपको अच्छे से समझ में आए, तो ऐसे वीडियोस मैं अभी आपको आपके पास आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आज के इस पार्ट में आपको खाली मैं इसके बारे में जानकारी देने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है, तो प्लीज़ रेडी हो जाइए चिप लेवल के कुछ जो भी मेरे लेक्चर से उसको देखने के लिए। तो देखते रहिए मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म। थैंक यू।